मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस अपनी खूबसूरती से हर किसी को अपना दीवाना बना लेती हैं। कुछ एक्ट्रेस नेचुरली खूबसूरत होती हैं, मगर कुछ सुंदर दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लेती हैं। भले ही कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस इस बात को स्वीकार करे या ना करे, लेकिन सच यही है कि बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिनके लुक में पहले से अब तक अच्छा खासा बदलाव आया है, और इस बदलाव के पीछे है कमाल प्लास्टिक सर्जरी का। जी हाँ, आज उन्हीं एक्ट्रेसेस के बारे में हम आपको बताएंगे जो कि प्लास्टिक सर्जरी के जरिए क्या से क्या हो गईं। बात करेंगे सबसे पहले प्रियंका चोपड़ा की। बॉलीवुड और हॉलीवुड में अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाने वाली प्रियंका चोपड़ा ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए ना सिर्फ सेट पर बल्कि अपने लुक्स पर भी काफ़ी मेहनत की है। मीडिया में आई खबरों की माने तो प्रियंका ने अपनी नाक, फेस और होठों की सर्जरी तो कराई ही है, इसके साथ साथ उन्होंने अपने ब्रेस्ट इम्प्लांट भी करवाए हैं, तभी उनकी पर्सनालिटी में इतना ज़्यादा बदलाव आया है। बात करेंगे अब शिल्पा शेट्टी की। शिल्पा शेट्टी की परफेक्ट फिगर और खूबसूरती के लाखों करोड़ों दीवाने हैं। उनकी खूबसूरती आज भी बरकरार है, मगर क्या आप जानते हैं कि सुंदर दिखने के लिए उन्होंने अपनी नाक की प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने स्किन को गोरा करने के लिए भी ट्रीटमेंट करवाया है। बात करेंगे अब गौहर खान की। गौहर खान जब बॉलीवुड में आई थी तो उनके लिप थोड़े से मोटे थे। उन्होंने अपने लिप्स को परफेक्ट शेप देने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया था। लिप सर्जरी ने उनकी खूबसूरती को कई गुना बढ़ा दिया। बात करेंगे अब काजोल की। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल ने चेहरा बदलने के लिए कोई प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करवाई, लेकिन हाँ, शुरुआती दिनों में उनका रंग फेयर बिल्कुल नहीं था। ऐसे में काजोल ने स्किन लाइटनिंग सर्जरी ज़रूर करवाई है और अब उनके चेहरे का रंग निखर गया है। शाहरुख के साथ फिल्म दिलवाले में काजोल के लुक को देखकर सभी शॉक्ड रह गए थे। बात करेंगे अब विराट कोहली की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की। अनुष्का ने अपने लिप्स को परफेक्ट बनाने के लिए लिप सर्जरी करवाई थी। लिप सर्जरी करवाने के बाद कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल करना भी शुरू कर दिया था। बात करेंगे अब कैटरीना कैफ की। फिल्म जगत में सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली हीरोइंस में कैटरीना कैफ का नाम भी शुमार है। कैटरीना कैफ भी सर्जरी करवा चुकी हैं। उन्होंने ग्लैमरस लुक के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया है। बात करेंगे अब कंगना रनौत की। हिमाचल ब्यूटी बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत आज किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है, मगर जब वो बॉलीवुड में आई थी तब वो अपने लुक को लेकर कई बार ट्रोल हुई। यही कारण है कि खुद को और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया। बात करेंगे श्रुति हसन की। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रुति हसन किसी पहचान की मोहताज नहीं है। भले ही उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट हों या ना हों, मगर उनके चेहरे की मासूमियत ने लाखों लोगों के दिलों पर राज किया है। पर क्या आप ये जानते हैं कि श्रुति ने ग्लैमरस दिखने के लिए, अपने लुक को बदलने के लिए अपने नाक और गालों की सर्जरी करवा रखी है। बात करेंगे अब जैकलीन फर्नांडिस की। जैकलीन की खूबसूरती हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है, मगर फिर भी जैकलीन को अपने होठों से शिकायत थी। उन्होंने अपने होठों को प्लमी करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया था ताकि उनके होठ ज़्यादा उभरे हुए महसूस हों। बात करेंगे अब राखी सावंत की। राखी सावंत ने भी अपने चेहरे को बदलने के लिए एक नहीं बल्कि कई बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। राखी ने होंठ और नाक की प्लास्टिक सर्जरी करवाकर उसे पूरी तरह से बदल दिया। यही नहीं, राखी ने ब्रेस्ट इम्प्लांट भी करवाया है। बात करेंगे करीना कपूर की। बॉलीवुड की खूबसूरत हसीनाओं में से करीना कपूर ने भी नाक और होंठ की प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। बात करेंगे अब मौनी रॉय की। टीवी के बाद बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का जौहर दिखाने वाली मौनी रॉय अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवा चुकी हैं। अपनी ग्लैमर और खूबसूरती से मौनी के लाखों करोड़ों फैंस हैं।
तो ये थी बॉलीवुड की वो एक्ट्रेसेस जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए अपनी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ाया है और भी ज़्यादा निखारा है। लेकिन इस बात के साथ साथ इस बात में भी कोई शक नहीं कि इनकी खूबसूरती ही नहीं बल्कि इनकी जी तोड़ मेहनत भी इनकी कामयाबी का राज है। इसी खास जानकारी के साथ दीजिए हमें इजाज़त, बहुत जल्द मिलेंगे। फिलहाल अभी के लिए बोल्ड स्काई पर बस इतना ही।